अगर आपके दिल में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि दिल की ब्लॉकेज के लिए आपको स्टंट डलवाना होगा। अब आप मुझे बताइए दिल की ब्लॉकेज के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों हमारी बॉडी कैंसर तक को अपने आप ठीक कर सकती है, तो फिर ये हार्ट ब्लॉकेज क्या चीज है, लेकिन डॉक्टर्स आपको ये चीज नहीं बताते। अब अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो इसके पीछे का कारण है आपके खून में गंदगी है, क्योंकि ये ब्लॉकेज आपके खून की गंदगी के कारण ही हुई है। अब खून की गंदगी के पीछे का कारण है आपके पेट का कमजोर होना, आपके डाइजेशन का कमजोर होना। डाइजेशन कमजोर होने का मतलब है आपकी आंतों का कमजोर होना। दोस्तों जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तब हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं, आंतें कमजोर हो जाती हैं। आंतें कमजोर हो जाने से हमारा खून गंदा होने लगता है, यही गंदा खून आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है और इंसान हार्ट अटैक का मरीज बन जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इलाज सिर्फ अपने दिल की हार्ट ब्लॉकेज का नहीं करवाना, इलाज होना चाहिए आपके पेट का, क्योंकि अगर आपका पेट ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। धर्मों में उपवास रखने को कहा जाता है। क्या आपको पता है उपवास रखने के पीछे का कारण क्या है? ये नहीं कि उपवास रखेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। दोस्तों उपवास रखेंगे तो हमारी बॉडी ठीक होगी। देखिए इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान ही है जिसको तीन समय का खाना मिलता है। इसके अलावा इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव तीन समय का खाना नहीं खाता। अगर आप गाय, भैंस, कुत्ता, किसी भी जानवर को देखें, जरूरी नहीं कि उन्हें ब्रेकफास्ट मिले ही, जब भी उन्हें कुछ मिलता है तो वो खा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी फास्टिंग यानी उपवास हो जाता है। लेकिन हम इंसान है कि हमारे घर में एक दो महीने का राशन पहले से ही होता है। इस कारण से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी रेस्ट ही नहीं दे पाते। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर लंच खाते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं, फिर डिनर के बाद भी कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं। यानी कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हर समय चलाते रहते हैं। इसी कारण से समय पड़ने के साथ साथ ये डाइजेशन वीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि आपको हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास यानी फास्टिंग जरूर करनी है। अगर आप एक हफ्ते में एक बार फास्टिंग करते हैं तो इससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे। जब रेस्ट देंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही साथ जब आपकी बॉडी को पूरे दिन में एनर्जी की जरूरत होगी तो वो आपके दिल की ब्लॉकेज को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, वो आपके जो कैंसर के सेल्स हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। कहने का मतलब है फास्टिंग करने से कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने से हर बीमारी ठीक हो सकती है। आज मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करेंगी। अगर उन दोनों चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अगर उन दोनों चीजों को आप पूरे दिन में एक बार भी लेते हैं तो आपको जिंदगी में कभी किसी बीमारी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ना मोटापा होगा, ना डायबिटीज, ना थायराइड, ना अर्थराइटिस, ना ही एसिडिटी, ना आपके बाल झड़ेंगे, ना चेहरे पर पिंपल्स होंगे। कहने का मतलब है कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों वो जो दो चीजें हैं वो है चूना और दालचीनी। चूना आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता आता है। सिर्फ एक दो रुपए के चूने से आपका पूरा एक महीना निकल जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है, प्लीज आप इसे जरूर आजमाएं। मैं आपको बताता हूँ चूने की प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों चूना वातनाशक है, यानी कि बॉडी में वायु को खत्म करता है। अब अगर आपकी बॉडी में ज्यादा गैस बनती है तो वो गैस जब भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी तो वो गैस हमारी बॉडी में दर्द पैदा करेगी। अब मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बाजू में, आपकी कमर में, अगर कहीं भी बॉडी में दर्द है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। अब वात को अगर आपको खत्म करना है तो चूना आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों चूना प्योरली कैल्शियम है, आपको किसी तरह की कैल्शियम टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे दूध भी मत पीजिए, आपको चूने से ही इतना कैल्शियम मिल जाएगा कि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। दोस्तों चूना किस तरह से लें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चूना प्योर कैल्शियम है। अगर इसे गलत मात्रा में ले लिया तो आपकी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। तो दोस्तों चूना लेने का सबसे सही तरीका है गेहूं के दाने के बराबर का चूना एक दिन में आपको लेना है। चूने को सीधा अपनी जीभ के ऊपर कभी नहीं रखते। चूने को या तो आप दही में मिलाकर, किसी दाल में मिलाकर, या चाहे तो पानी में मिलाकर भी इसे पी सकते हैं। दिन में किसी भी समय आपको एक ग्राम चूना लेना है। एक ग्राम मतलब एक गेहूं के दाने के बराबर चूना आपको लेना है। इस तरह से अगर आप चूना हर रोज लेते हैं तो आपकी ढेरों बीमारियां खत्म होंगी। अब चूना कौन ले सकता है? छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी ले सकता है। छोटे बच्चे को आधा ग्राम और बड़े लोग एक ग्राम। अब अगर आप इस तरह से चूने को हर रोज खाना शुरू कर दें दोस्तों तो आपकी वात दोष की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ऐसी बीमारियां बताता हूँ जो बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएंगी। सबसे पहले है दोस्तों घुटनों का दर्द। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप चूना खाइए। प्लीज एक बार चूना खाकर देखिए, आपके घुटनों का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजकल लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, लोग बैठ जाएं तो उनसे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। प्लीज दोस्तों चूने का इस्तेमाल जरूर करें। 50 की एज के बाद तो आप 100% चूने का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। इसलिए 50 की एज के बाद तो कैल्शियम तो आपको लेना ही है। नहीं लेंगे तो आपकी हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होंगी और आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो चूने का इस्तेमाल जरूर करें। दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि दांतों का दर्द, दांतों में सेंसिटिविटी। दोस्तों दांतों में अगर दर्द हो रहा है या दांतों में सेंसिटिविटी है यानी गर्म या ठंडा लगता है तो मतलब है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए चूना आप जरूर लीजिए। चूना जब आप खाएंगे तो आपके दांतों का दर्द एक महीने के अंदर अंदर ठीक होगा और दांतों की सेंसिटिविटी भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। नहीं तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको 1% भी ये नहीं कहेगा कि आपको कैल्शियम लेना चाहिए। वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि कैल्शियम लीजिए, वो सिर्फ आपको कहेगा कि ये पेन किलर ले लीजिए या दांत को डेड करवा लीजिए, दांत निकलवा लीजिए। वो सिर्फ आपको वो चीज बताएगा जिससे टेम्परेरी सोल्यूशन हो, जिससे डॉक्टर का फायदा हो। 4-5 हजार रुपए लग जाते हैं दांत को डेड करवाने में। दोस्तों जरूरत ही नहीं है, हम अपने दांत को डेड क्यों करवाएं? इस धरती पर रहने वाले दूसरे जीव भी तो हैं, क्या उनके कभी दांत डेड होते हैं? हम इंसान ही हैं जो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं बीमारियों को सही करने के। हम इंसान ही हैं जो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने के। इसलिए दोस्तों प्लीज आप अपने दांतों के दर्द के लिए चूने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो चूना आपके लिए वरदान है। चूना हमारे दिमाग को तेज करता है, मेमोरी को शार्प करता है। अगर आपके बच्चों के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो प्लीज आप उन्हें चूना खिलाइए, उनके पेपर में आप देखना कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों छोटे बच्चों की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो किसी तरह के पाउडर उन्हें खिलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चूना खिलाइए। चूना सस्ता है, फ्री का सोल्यूशन है, इससे आपके बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों अगर कोई लेडीज मां नहीं बन पा रही है, डॉक्टर ने कहा है कि आप मां नहीं बन सकती, तो प्लीज आप हमारे कहने पर एक बार लगातार 3 महीने चूना खाकर देखिए, आपको जरूर इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। लेडीज की गर्भाशय की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए चूना बहुत ही अच्छा है। इवन कि मेल्स में स्पर्म काउंट की अगर कमी हो तो उसमें भी चूना बहुत अच्छा है। दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज को अनार के रस में 1 ग्राम चूना डालकर जरूर पिलाएं, इससे जो उनके होने वाला बच्चा है उसका विकास बहुत अच्छे से होगा, उसका दिमाग तेज होगा। इसलिए दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर चूना खिलाना चाहिए, इससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी में भी उनको मदद मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं दालचीनी की। दोस्तों दालचीनी ऐसी चीज है जो आपकी वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप वात और कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको दालचीनी को सुबह लेना है, और अगर आप पित्त को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको दालचीनी को शाम को लेना है। अब दालचीनी को लेना किस तरह से है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों दालचीनी का 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद दोनों को आप अपने हाथ के ऊपर रखिए और अंगुली से उस चीज को मिक्स करते जाइए। जब दालचीनी और शहद अच्छे से मिक्स हो जाएं तो उसके बाद आपको अपनी जीभ से चाट कर इस दालचीनी को खाना है। जीभ से चाट कर खाना जरूरी है क्योंकि जब आप जीभ से चाट कर दालचीनी खाएंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लार आपके पेट में जाएगी। जब दालचीनी और लार दोनों मिलकर आपके पेट में जाएगी तो ये आपको बहुत फायदा करेगी। अब कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी? दोस्तों जब आप दालचीनी और शहद को सुबह खाली पेट लेंगे तो इससे आपकी जो वात और कफ की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। सबसे पहले आपका मोटापा दूर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए तो दालचीनी को इस तरह से सुबह खाएं, इससे आपका वजन 1 महीने में 5 से 10 किलो तक आसानी से कम हो सकता है। दोस्तों अगर आपके घुटनों का दर्द है तो इसके लिए दालचीनी को सुबह जरूर खाएं, इससे आपके घुटनों का दर्द 2 से 3 महीने में जड़ से गायब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो आप जरूर इसका सेवन करें, पेट की गैस को सिर्फ 15 दिनों में ये बिल्कुल खत्म कर देता है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो या कफ की प्रॉब्लम हो, इसके लिए भी दोस्तों दालचीनी बहुत अच्छी है। दालचीनी और शहद को जब सुबह खाली पेट खाएंगे तो आपकी अस्थमा कफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए दालचीनी और शहद को रात को सोने से आधा घंटा पहले खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डायबिटीज को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो दालचीनी और शहद का इस्तेमाल जरूर करें। अब आप कहेंगे कि शहद से डायबिटीज बढ़ जाएगी, दोस्तों ऐसा नहीं होता। नेचुरल शुगर खाने से कभी डायबिटीज नहीं बढ़ती, डायबिटीज बढ़ती है तो आर्टिफिशियल शुगर से। हाँ लेकिन डायबिटीज के केस में आपको 1/4 चम्मच दालचीनी और 1/2 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच का नहीं। इसके अलावा दोस्तों थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी दालचीनी और शहद बहुत अच्छे हैं। रात को आधा घंटा सोने से पहले आपको दालचीनी और शहद का सेवन करना है, इससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम 1 महीने में ही जड़ से खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड हो। दरअसल दोस्तों जो थायराइड है उसके ग्लैंड्स हमारे गले में होते हैं, और जब आप दालचीनी को ले रहे हैं तो इससे आपके गले से ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों भयंकर अर्थराइटिस में भी दालचीनी और शहद बहुत ही अच्छे हैं। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम चूना और दालचीनी के जरिए ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा हमारे घर की किचन में ऐसी ढेरों चीजें हैं जैसे कि लौंग, इलायची, अजवाइन,
मेथी का दाना और भी ढेरों चीजें हैं जो आपकी हर बीमारी का सलूशन है। लेकिन हम लोग बीमारियों का सलूशन ढूंढते हैं बाहर मार्केट में, डॉक्टर्स के पास, मेडिकल शॉप्स पर। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से किचन में पड़ी हुई चीजों से बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ऐसा ही करते थे। पुराने जमाने में लोग डॉक्टर्स के पास इतना नहीं जाते थे जब तक कि कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती थी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग बीमारियों को घर में ही ठीक कर सकते हैं और चूना और दालचीनी किस तरह से हमें फायदा कर सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है।